नमस्कार, वीएमआर भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। खास खबर में बात करेंगे हम कोटा जिले की। कोटा में आरपीएफ और जीआरपीएफ ने आज कोटा रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो यात्रियों से 95 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। बता दें, दोनों यात्री ट्रेन के सामान्य डिब्बे से पकड़े गए हैं। तलाशी के दौरान उनके पास यह रकम बरामद की गई है। बरामद की गई रकम उड़ीसा के भुवनेश्वर से लाई जा रही थी। पकड़े गए दोनों शख्स सवाई माधोपुर निवासी शत्रुलाल और रामावतार हैं। ये दोनों भुवनेश्वर से सवाई माधोपुर 95 लाख रुपए बैग में भर कर ला रहे थे। ट्रेन में तलाशी के दौरान दोनों को पकड़ा गया। इतनी बड़ी रकम देखकर आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान सकते में आ गए और दोनों को नीचे उतार लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि शत्रुलाल का बेटा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंजीनियर है और भुवनेश्वर में पदस्थापित है। उन्होंने यह रकम भुवनेश्वर से उसी के पास से लाया जाना बताया है। ऐसी खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीएमआर भारत टीवी के साथ। नमस्कार।